Very good morning students, welcome to again class 11 biology. Last class में अपन ने the living world chapter start किया था और ये जो lesson है आपके ये first unit का है. unit का नाम है diversity in the living world. diversity in the living world. बच्चों chapter को discuss करने से पहले आपको मैं बहुत important information दे दूँ कि जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो साइंस लेना चाहते हैं, बायोलॉजी सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, उनको आप ये जो अपनी क्लासेस है बायोलॉजी की उनको उनका लिंक जो है उन तक पहुंचाएं, शेयर करें ताकि वो भी वॉच कर सके और वो अपना एक डिसीजन ले सके, एक सही डिसीजन ले सके कि अपना फ्यूचर्स कहाँ पर पढ़ने से हैं, कहाँ पर नहीं पढ़ने से हैं. क्योंकि यहाँ पर आपको बायोलॉजी के अंदर बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ. नोट्स प्रिपेयर करना ही सब कुछ नहीं है बच्चों. नोट्स प्रिपेयर करने से ही आप अपने ड्रीम को पूरा नहीं कर पाएंगे. आपको इसके साथ ऑब्जेक्टिव सीट्स है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, सब्जेक्टिव टेस्ट है, सब्जेक्टिव सीट्स है, इसके अलावा बहुत कुछ लाइव टेस्ट है, आपकी मॉनिटरिंग है टाइम टाइम पर, आपके रिजल्ट को आपके पेरेंट्स तक पहुँचाना है, वो सारी जो बातें हैं वो मैटर करती है. और ये सब कुछ आपको मिलेगा स्टेप बाय स्टेप सिस्टम से DCI करियर इंस्टीट्यूट के ऐप में. तो जल्दी से आप अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जो साइंस लेना चाहते हैं या जिन्होंने साइंस ली है 11th क्लास में उन तक पहुंचाएं और अपने सब्जेक्ट का चुनाव किया है बायोलॉजी का तो उसको एक अच्छी जगह पर पढ़ने के लिए सजेस्ट करें और उन तक आप पहुंचाएं. वो एक बार इसको देखें वीडियो, बिकॉज कुछ दिनों तक आपके ये जो वीडियोज़ है ये यूट्यूब पर फ्री रहेंगे, डेमो क्लासेस के रूप में ऐप में चल ही रहे हैं, साथ में डेमो क्लासेस कुछ टाइम के लिए ये फ्री रहेंगे. उसके बाद आपके सारे जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो केवल ऐप में ही प्रोवाइड किए जाएंगे, यूट्यूब पर नहीं. यूट्यूब पर फिलहाल ये कुछ वीडियो ताकि आप लोग इनको वॉच कर सकें और डिसीजन ले सके कि अपन को कहाँ पर पढ़ना है. ठीक, तो अपन डिस्कस करेंगे आज लेसन नंबर 1 को. अपन ने लास्ट क्लास में देखा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे डिफाइन करें, कैसे डिफ्रेंशिएट करें उनको कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ये नॉन लिविंग है. तो अपन ने देखा कि कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे. अपन ने वहां पर 5 फीचर्स या कैरेक्टर्स देखे हैं जिनमें नंबर 1 था ग्रोथ, सेकेंड अपन ने देखा रिप्रोडक्शन, थर्ड मेटाबॉलिज्म, फोर्थ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड फिफ्थ कॉन्शियसनेस. ये 5 फीचर्स अपन ने वहां पर देखे, डिस्कस किए. अब अपन ने ये जो ग्रोथ, प्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस जो फीचर्स है इनको अपन 2 कैटेगरीज में, 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक जो डिफाइनिंग फीचर्स एंड नॉन डिफाइनिंग फीचर्स. बिकॉज इस वर्ड को समझना कंपलसरी है, ये अपने अगेन एंड अगेन रिपीट होगा. देखो डिफाइनिंग फीचर्स क्या होते हैं, डिफाइनिंग फीचर्स ऐसे फीचर्स जो बिना किसी एक्सेप्शन के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगा, मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शंस, उनको अपन डिफाइनिंग फीचर्स बोलेंगे. सेकेंड कंडीशंस क्या होगी डिफाइनिंग फीचर्स की, कि डिफाइनिंग जो फीचर्स होते हैं ये नॉन लिविंग में कभी भी नहीं मिलेंगे, शुड नॉट बी प्रेजेंट इन नॉन लिविंग. ये 2 कंडीशंस जो फॉलो करेंगे फीचर्स, उन फीचर्स को अपन क्या बोलेंगे, डिफाइनिंग फीचर्स बोलेंगे. क्लियर. अब यहां पर देखेंगे अपन कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शंस दोनों जो करेक्टर्स है, दोनों जो फीचर्स है ये नॉन डिफाइनिंग है, बट मेटाबोलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस जो फीचर्स है ये है अपने डिफाइनिंग फीचर्स. ठीक,
अब अपन यहां पर डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास के अंदर ग्रोथ। आप साथ के साथ नोट्स भी क्रिएट करते हुए चलें। टुडे वी विल डिस्कस ग्रोथ। ग्रोथ, व्हाट इज ग्रोथ? अपन इसको सामान्य भाषा में समझते हैं, आपने अभी रेन सीजन में एक प्लांट जो है वो लगाया गमले के अंदर, आप उसको आफ्टर 4 या 5 मंथ बाद जब देखेंगे तो हो सकता है वो प्लांट इंक्रीज हो गया हो, इतना बड़ा हो गया हो। दिस इज ग्रोथ, दिस इज ग्रोथ। आपने देखा कि आपके पड़ोस में एक बच्चा पैदा हुआ था किसी के 2-4 साल पहले, आज वो बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया। आपने छोटा सा देखा था उसको और देखते देखते वो बड़ा हो गया, दिस इज ग्रोथ। ये क्या है? ग्रोथ। तो ग्रोथ क्या है? ग्रोथ को अपन ऐसे समझ सकते हैं कि ग्रोथ इज इंक्रीज, इंक्रीज ऑफ मास या इंक्रीज ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स इज ग्रोथ। तो ग्रोथ क्या है? ग्रोथ इंक्रीज, इंक्रीज ऑफ मास और नंबर ऑफ सेल इज ग्रोथ, राइट? ये ट्विन करैक्टर्स है ग्रोथ के। क्या क्या? एक तो इंक्रीज ऑफ मास, मास का इंक्रीज होना, एंड नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होना ग्रोथ है। इसके बाद देखिए अपन कि जो ग्रोथ है ये नॉन डिफाइनिंग फीचर्स है। ग्रोथ, ग्रोथ नॉन डिफाइनिंग फीचर्स, नॉन डिफाइनिंग फीचर्स है ग्रोथ। इसके अलावा देखिए अपन कि जो ग्रोथ है ये ग्रोथ इरिवर्सिबल है। ग्रोथ इज इरिवर्सिबल, ग्रोथ इज इरिवर्सिबल मींस आपने देखा कि जो एक चाइल्ड था छोटा सा वो बड़ा हो गया। आप जैसे मान लो 15 इयर्स के या 16 इयर्स के हो गए, इतने बड़े हो गए, अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप लोग वापस छोटे हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं। ग्रोथ इरिवर्सिबल, नॉट रिवर्सिबल। ग्रोथ कैसा फीचर से? ग्रोथ जो है वो इरिवर्सिबल होती है, क्लियर? ग्रोथ इज रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ मेटाबॉलिज्म का रिजल्ट है। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? समझना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेटाबॉलिज्म। ऑल केमिकल रिएक्शंस विच प्रेजेंट और बॉडीज, अपनी बॉडीज के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस है, ऑल ऑफ दीज केमिकल रिएक्शंस कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। एंड मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस टू टाइप्स की होती है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म इसको डिस्कस करेंगे अपन, पूरा टॉपिक है अपने ये। एनाबॉलिज्म जो रिएक्शंस होती है उनको अपन सिंथेटिक रिएक्शंस बोलते हैं, कुछ ना कुछ फॉर्मेशन इनके अंदर होता है। जैसे कि जब फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है तो वहां पर ग्लूकोज फॉर्मेशन होता है, एमिनो एसिड के जुड़ने से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो रिएक्शंस होती है ये सिंथेटिक रिएक्शंस एनाबॉलिज्म कहलाती है। एक होती है कैटाबॉलिज्म, डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस जिनमें अपन कह सकते हैं कि जो कॉम्प्लिकेटेड सबस्ट्रेट होते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड सबस्ट्रेट ब्रेक होता है उनका, वो टूटते हैं और स्मॉल जो सब्सटेंस है उनका फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल अपन देखें कि जो रेस्पिरेशन होता है उसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक होता है, एंड CO2 जल एंड
एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर अपन देखें कि ग्रोथ क्या है, ग्रोथ है रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, क्लियर। अब ग्रोथ कब होगी, ग्रोथ अकर व्हेन व्हेन एनाबॉलिज्म या सिंथेटिक रिएक्शन मोर देन कैटाबॉलिज्म, राइट। ग्रोथ जो है आपको अकर व्हेन मेटाबॉलिज्म सॉरी एनाबॉलिज्म या सिंथेटिक रिएक्शंस मोर देन कैटाबॉलिज्म। देखो अभी अपने समझा कि मेटाबॉलिज्म जो होती है ये टू टाइप्स की होती है, एक तो होती है सिंथेटिक या एनाबॉलिज्म और एक होती है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म को आप लोग जो है डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस भी कह सकते हैं, डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस, क्लियर। इट्स वाइस वर्सा, इट्स वाइस वर्सा व्हेन व्हेन कैटाबॉलिज्म मोर देन एनाबॉलिज्म, इट्स डीग्रोथ या नेगेटिव ग्रोथ, क्लियर। समझे कि जब एनाबॉलिज्म मोर देन कैटाबॉलिज्म, आप ऐसे समझिए कि निर्माण कार्य फॉर्मेशन करने वाली जो रिएक्शन है वो मोर देन है कैटाबॉलिज्म रिएक्शन से, जो विखंडन होने वाले विक्रिया जो ब्रेक डाउन होने वाली विक्रिया है उनसे, उस समय ग्रोथ होगी। बट वाइस वर्सा है, कैटाबॉलिज्म मोर देन है एनाबॉलिज्म से, तो फिर उसको अपन क्या बोलेंगे, डी ग्रोथ बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे बच्चों, डी ग्रोथ या नेगेटिव ग्रोथ, क्लियर। तो इसको आप लोग राइट डाउन कीजिए, साथ के साथ आप नोट्स बनाते हुए चले। हालांकि आपको ये जो नोट्स है मैं पीडीएफ फॉर्म में भी अवेलेबल करवा दूंगा, बट अगर आप साथ के साथ नोट्स बनाएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्लियर। चलो अब देखें अपन ये जो ग्रोथ है इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, ग्रोथ के टाइप्स देखें अपन। टाइप्स ऑफ ग्रोथ, टाइप्स ऑफ ग्रोथ, टाइप्स ऑफ ग्रोथ में अपन देखें कि एक तो होती है इंट्रिंसिक ग्रोथ, इंट्रिंसिक, और एक होती है एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक ग्रोथ, नाम से पता लग रहा है कि ऐसी ग्रोथ जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के इनसाइड होगी, इनसाइड होने वाली जो ग्रोथ है वो कहलाती है बच्चों इंट्रिंसिक। जैसे अपनी बॉडी के अंदर ऑर्गन फॉर्मेशन है, सेल्स फॉर्मेशन है, ये ग्रोथ हो रही है ये इंट्रिंसिक है, और ये इंट्रिंसिक जो ग्रोथ होती है ये इंट्रिंसिक ग्रोथ ओनली और ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही मिलेगी। मींस ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर्स है। बट एक्सट्रिंसिक ग्रोथ क्या है, एक्सट्रिंसिक जो ग्रोथ है ये नॉन लिविंग में मिलेगी, और नॉन लिविंग के आउटसाइड में जब किसी भी मटेरियल का एक्यूमुलेशन होता है वहां पर डिकम्पोज सॉरी जैसे जैसे वो वहां पर डिपॉजिट होता जाता है, तो उसकी आउटसाइड जो ग्रोथ होगी वो आउटसाइड ग्रोथ एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कहलाती है, क्लियर। तो यहां पर अपन कह सकते हैं कि ये जो ग्रोथ है ये इनसाइड ऑफ बॉडी होगी, और ये जो है
आउटसाइड ऑफ नॉन लिविंग होगी। नॉन लिविंग जो है उसके आउटसाइड में होगी। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कोई भी रेत का टीला है और उस पर जैसे सैंड जमा होती जा रही है, डिपॉजिट होती जा रही है, और धीरे धीरे उसके जो आकार में ग्रोथ हो रही है वो है बच्चों एक्सटेंसिव ग्रोथ। एक चीज और यहां पर ध्यान रखें कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर्स है, और इंट्रिंसिक ग्रोथ ओनली और ओनली फाइंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉट फाइंड इन नॉन लिविंग्स। एनी नॉन लिविंग के अंदर आपको कभी भी इंट्रिंसिक ग्रोथ नहीं मिलेगी। इंट्रिंसिक ग्रोथ हमेशा आपको कहां पर देखने को मिलेगी? लिविंग ऑर्गेनिज्म। मीन्स अपने कह सकते हैं कि ये डिफाइनिंग फीचर हो गया, डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये डिफाइनिंग फीचर से। क्लियर? चलो इसके अलावा अपन देखें कि जो ग्रोथ होती है इसको अपन डिटरमिनेंट एंड इन डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट ग्रोथ एंड इन डिटरमिनेंट ग्रोथ। डिटरमिनेंट ग्रोथ मीन्स लिमिटेड, लिमिटेड ग्रोथ। इनडिटरमिनेंट अनलिमिटेड ग्रोथ। क्लियर? समझे आप लोग? लिमिटेड ग्रोथ जो है उसको कहा जाता है डिटरमिनेंट, और जो अनलिमिटेड ग्रोथ होती है उसको बोलते हैं अपन इनडिटरमिनेंट ग्रोथ। लिमिटेड ग्रोथ मिलेगी आपको फॉर एग्जांपल एनिमल्स, ह्यूमंस। अब ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम तक ही ग्रोथ होती है, उसके बाद ग्रोथ क्लोज जाती है। बट प्लांट जो होते हैं उनमें ऑल टाइम ग्रोथ जो है वो प्रेजेंट होती है। तो इनडिटरमिनेंट ग्रोथ मिलती है किसके अंदर? प्लांट में। और डिटरमिनेंट जो ग्रोथ होती है वो मिली है किसके अंदर? एनिमल्स के अंदर। क्लियर बच्चों? आप नोट्स भी साथ के साथ प्रिपेयर कर लें। इसके अलावा अपन देखें ग्रोथ जो है इसके दो टाइप्स और हैं, लोकलाइज्ड एंड डिफ्यूज्ड ग्रोथ, लोकलाइज्ड एंड डिफ्यूज्ड ग्रोथ, लोकलाइज्ड एंड डिफ्यूज्ड ग्रोथ। ध्यान से समझे बच्चों, यहां से नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है और अक्सर स्टूडेंट इसको रॉन्ग करके आते हैं। लोकलाइज्ड, जैसा कि नाम से थोड़ा सा अपन को पता लग रहा है कि लोकलाइज्ड मींस किसी पर्टिकुलर स्थल पर, पर्टिकुलर एरियाज में इस तरह की ग्रोथ होती है। डिफ्यूज्ड विस्तृत, पूरी बॉडी के अंदर होने वाली ग्रोथ। अब प्लांट जो होते हैं, प्लांट तो कई स्टूडेंट्स सोचते हैं सर प्लांट जो है पूरा एक साथ ग्रो कर रहा है तो उसके अंदर तो डिफ्यूज्ड ग्रोथ होगी, बट ऐसा नहीं है बच्चों। प्लांट के अंदर जो ग्रोथ होती है वो लोकलाइज्ड होती है। प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो कैसे होती है? लोकलाइज्ड। कैसे? समझे आप लोग ध्यान से। जैसे कि ये प्लांट है, अब इस प्लांट के अंदर ये जो शूट टिप होते हैं, शूट टिप एंड ये जो रूट टिप होते हैं, इन शूट टिप एंड रूट टिप पर मेरिस्टमेटिक टिश्यू पाया जाता है। क्या मिलेगा? मेरिस्टमेटिक टिश्यू, मेरिस्टमेटिक सेल्स या टिश्यू वहां पर मिलेगी। और इन पैलेस जहां पर मेरिस्टमेटिक टिश्यू मिलेगा वहीं पर ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो अपन कह सकते हैं प्लांट के अंदर जो ग्रोथ होती है वो लोकलाइज्ड होती है, यानी पर्टिकुलर स्थान पर, पर्टिकुलर जो जगह है वहां पर चलेगी वो ग्रोथ है लोकलाइज्ड। बट अगर अपन देखें कि जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स के अंदर मिलने वाली जो ग्रोथ है वो डिफ्यूज्ड होती है, यानी पूरी बॉडी के अंदर ग्रोथ होती है। क्लियर? तो ये टाइप्स अपने देखे ग्रोथ के, इंट्रिंसिक ग्रोथ देखी, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ देखी। इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या है? अगर बॉडी के इनसाइड ग्रोथ हो रही है तो इंट्रिंसिक ग्रोथ है, और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक डिफाइनिंग फीचर्स है, क्योंकि इंट्रिंसिक ग्रोथ ओनली और ओनली फाइंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ क्या है? आउटसाइड ऑफ बॉडी
होने वाली ग्रोथ है जब बॉडी के आउटसाइड में किसी मटेरियल का एक्यूमुलेशन होता है, तो उससे जो ग्रोथ होगी वो ग्रोथ क्या कहलाएगी, वो ग्रोथ जो है उसको अपन एक्सटेंसिव ग्रोथ बोलेंगे, और ये अपन को मिलेगी नॉन लिविंग के अंदर। डिटर्मिनेंट एंड इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ, लिमिटेड ग्रोथ और अनलिमिटेड ग्रोथ। लिमिटेड ग्रोथ किसमें मिलेगी, एनिमल्स में, और अनलिमिटेड ग्रोथ किसमें मिलेगी, प्लांट के अंदर। लिमिटेड मीन्स कुछ निश्चित टाइम तक ग्रोथ चलेगी, उसके बाद वो क्लोज हो जाएगी, और अनलिमिटेड जो चलती रहेगी लाइफ टाइम तक। उसके बाद अपन ने देखा कि लोकलाइज्ड ग्रोथ एंड डिफ्यूज्ड ग्रोथ। लोकलाइज्ड ग्रोथ क्या होती है, लोकलाइज्ड ग्रोथ का मतलब है ऐसी ग्रोथ जो एक पर्टिकुलर जो स्थल है वहीं पर जो वो चलेगी वो ग्रोथ है लोकलाइज्ड, और जो पूरी बॉडी में एक साथ ग्रोथ होगी वो है डिफ्यूज्ड ग्रोथ। तो लोकलाइज्ड ग्रोथ का एग्जांपल है प्लांट, और ये प्लांट के अंदर वहां पर चलेगी ये ग्रोथ जहां पर मेरिस्टमेटिक सेल्स मिलेगी, मेरिस्टमेटिक टिश्यू मिलेगी। क्या होते हैं मेरिस्टमेटिक टिश्यू, टिश्यू मीन्स ग्रुप ऑफ सेल्स, सेम टाइप ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। ऐसा टिश्यू जिसकी सेल्स अगेन एंड अगेन डिवीजन करती रहती है, विभाजित होती रहती है, वो जो और मतलब टिश्यू है उसको बोला जाता है मेरिस्टमेटिक टिश्यू। ठीक, तो यहां पर अपन ने ग्रोथ को कंप्लीट कर लिया है। अब ग्रोथ के बाद अपना नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है बच्चों रिप्रोडक्शंस। सेकंड जो अपना टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन। आपके कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो तो आप लोग पर्सनली कॉल करके व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोग मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक अगर आपके समझ में नहीं आता है तो मेरे जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर, इन नंबर्स पर आप कॉल करें, किसी भी तरह का डाउट अगर आपके है उस डाउट को सोल्व किया जाएगा। क्लियर, किसी भी तरह की अगर आपको इंफॉर्मेशन लेनी हो वो इस नंबर पर आपको मिल जाएगी। क्लियर, चलो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आता है वो है रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन। समझो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिप्रोडक्शन। वैसे तो 12th क्लास में अपने इसका पूरा चैप्टर से प्लांट रिप्रोडक्शन अलग चैप्टर से और ह्यूमन रिप्रोडक्शन अलग चैप्टर से, यहां पर सिर्फ अपन नॉर्मली बातें डिस्कस कर रहे हैं। तो रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है नॉर्मली अपन समझे, जैसे कि कोई भी प्लांट है, अब प्लांट जो है उस पर फ्लावर, कुछ टाइम बाद फ्लावर आएगा, फ्लावर जहां पर बन रहा है कुछ टाइम पर वहां फ्रूट बन जाएगा, फ्रूट के अंदर सीड बनेंगे, और वो जो सीड है आफ्टर सम टाइम जब वो भूमि के अंदर गिर जाते हैं, सोइल के अंदर गिर जाते हैं, और वो अंकुरित होते हैं, जर्मिनेटेड होते हैं, और उससे प्लांट बन जाता है, वापस प्लांट डेवलप हो गया। तो दिस इज रिप्रोडक्शंस। इसके अलावा आपने देखा कि जैसे कोई भी कपल है, कुछ टाइम बाद उनके एक बेबी ने जन्म लिया, दिस इज रिप्रोडक्शंस। यही है रिप्रोडक्शंस। जब भी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेम टू सेम सन डॉटर प्रोड्यूस करते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शंस। ठीक, तो अपन यहां पर फर्स्ट इसकी डेफिनेशन देखें कि रिप्रोडक्शंस क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन क्या है कि रिप्रोडक्शन में प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग इट्स ऑन टाइम। रिप्रोडक्शन में क्या होता है, प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग इट्स ऑन काइंड, यानी कि जब भी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, रिप्रोडक्शन के अंदर प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है अपने जैसी सन या डॉटर जो है उसको जन्म देता है। क्लियर, चलो अपने देखा कि रिप्रोडक्शंस नॉन लिविंग फीचर्स है,
रिप्रोडक्शंस क्या है, नॉन लिविंग फीचर्स है। तो अपने कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शंस नॉन डिफाइनिंग फीचर्स। क्लियर, रिप्रोडक्शंस को अपन ने नॉन डिफाइनिंग फीचर्स बोला है। इसको भी आप क्लियर कर लें कि नॉन डिफाइनिंग फीचर्स कैसे हैं रिप्रोडक्शंस। देखो, डिफाइनिंग फीचर्स क्या होता है या आप माइंड में क्लियर कर लें, ऐसे फीचर्स जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होंगे वो डिफाइनिंग फीचर्स होंगे, उसका कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। और वो फीचर्स नॉन लिविंग में कभी भी आपको नहीं मिलेंगे, तो वो है डिफाइनिंग फीचर्स। अब अपन देख रहे हैं कि रिप्रोडक्शंस नॉन डिफाइनिंग फीचर्स है। व्हाई, क्यों है नॉन डिफाइनिंग फीचर्स क्यों है? देखो, आपने हनी बी का नाम सुना है। हनी बी की जो फैमिली होती है उसमें मेल होता है, उसमें क्वीन होती है, उसमें वर्कर्स होते हैं, ठीक। तो वर्कर बीज जो होती है, वर्कर बीज ठीक, इसके अलावा स्टेराइल ह्यूमन कपल एंड म्यूल कैन रिप्रोडक्शन। वर्कर बीज, स्टेराइल ह्यूमन कपल एंड म्यूल कैनॉट रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। वर्कर बीज जो है स्टेराइल होती है। अपन देखते हैं कहीं जो कपल्स होते हैं ह्यूमन कपल्स, उनके कोई सन या डॉटर नहीं हो पाती काफी टाइम के बाद भी। इसके अलावा जो म्यूल होते हैं, म्यूल क्या है बच्चों, डंकी एंड हॉर्स का जो क्रॉस करवाया जाता है, डंकी एंड हॉर्स के क्रॉस से प्रोड्यूस होती है म्यूल। तो ये सब ऐसे जीव है, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर रिप्रोडक्शंस नहीं हो सकता। बट आर अलाइव, भी ये लिविंग तो है बट इनके अंदर क्या नहीं हो रहा, रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा। तो जब ऐसा कोई करेक्टर्स है जो लिविंग के अंदर नहीं मिल रहा है, लिविंग के अंदर नहीं मिल रहा है, कुछ लिविंग के अंदर नहीं मिल रहा है बाकी में तो मिल रहा है, तो फिर वो नॉन डिफाइनिंग हो गया। क्योंकि डिफाइनिंग कब होता, डिफाइनिंग तब होता जब बिना किसी एक्सेप्शन के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वो मिलता, तो फिर उसको अपन क्या बोल देते, डिफाइनिंग। बट इसके कुछ एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है जिनके अंदर आपको ये रिप्रोडक्शन नहीं मिल रहा है। क्लियर, अब देखो अगर अपन इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए।